थोड़ी तकलीफ जरूर होगी अंदर रहने से, घर में रहने से, लेकिन एक तरफ तकलीफ है, दूसरी तरफ जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग घर में ही रहें, और जिस किसी को जो जरूरत है आप फोन करें, अपने हमारे एसआई साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, और सब नंबर है, डायल 100 नंबर है, 100 नंबर है, और भी नंबर सब अवेलेबल है इंटरनेट पे। जिस किसी चीज की जरूरत है, कमी है, पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी, गवर्नमेंट, सब लोग मिलकर आपके लिए जरूर करेंगे। ये एक ऐसा समय है कि यहाँ हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ होकर इसको लड़ना है। तो आप खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मुहिउद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। जीएचएमसी की तरफ से रोजाना लंच में 45,000 अफराद को अन्नपूर्णा मील और 15,000 अफराद को मुफ्त डिनर तकसीम किया जा रहा है। ये मील 450 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, सांभर और अचार पर मुश्तमिल है। जीएचएमसी ने 8 मराकज के साथ 6 साल खबर अन्नपूर्णा कैंटीन कायम किए थे। इनकी तादाद अब 150 हो गई है, जो बिलमुम हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास वाक़ हैं। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नरों की निगरानी में यह तकसीम अमल में लाई जा रही है। दीगर बल्दियात जैसे वरंगल, महबूबनगर, करीमनगर, सूर्यापेट और सिद्दीपेट में भी अन्नपूर्णा मील तकसीम किया जा रहा है। नाम बिहार डिस्ट्रिक्ट रहने वाले और आवासीय डिस्ट्रिक्ट नगर 12 में काम करते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट हमारा वक्ति फैमिली रेस्टोरेंट में ड्यूटी करता है सर, इधर दो बार खाना खाता हूँ। कौन सा गांव से? बिहार से सर। बिहार से दो बार खाना करें? दो बार। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सदर शोबे अखिलत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की जानिब से लॉकडाउन के आगाज से अब तक रोजाना 3,000 अफराद को दो वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। नीस 700-1,000 अफराद में गजाई इजनास के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के सबब गरीब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि हजारों अफराद जो यौमिया उजरत पर काम करते हैं कामकाज से महरूम हो चुके हैं, कई खानदान 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है, ऐसे में उन्हें दो वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने मुखैर हजरा से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में और महलों में लोगों की मदद के लिए आगे आएं। ये वक्त गरीबों के मसायब को कम से कम करने का है। उन्होंने बताया कि समीर वलीउल्लाह की तरफ से हल्के संभली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों जैसे हकीमपेट, शेखपेट, टोली चौकी वगैरह में
بلا لحاظ مذہب و ملت تمام غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں سمیر ولی اللہ، حیدرآباد سٹی مائنورٹی کانگریس چیئرمین۔ آج ہم لوگ الحمدللہ 13 دن سے ڈیلی 3000 آدمی کا کھانا پکا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 800 سے 900 گھر ہم لوگ الحمدللہ ڈیلی ڈور ٹو ڈور جا کے ترکاری تقسیم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تک ہم لوگ 750 راشن کٹس تقسیم کر چکے ہیں، جس کے اندر 10 کلو چاول، 1 کلو تیل، 2 کلو دال، نمک، مرچی، ہلدی، ادرک، لہسن، ان ساری چیزوں کا ایک ریلیف کٹ بنا ہے، جس کو الحمدللہ 750 تقسیم کر دی۔ ابھی اور الحمدللہ 1500 راشن کٹ ہمارے پاس تیار ہیں، جو آج اور کل میں انشاءاللہ ہمارے حکیم پیٹ ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس، حکیم پیٹ کنٹا، ایم ڈی لائنز، آپ کے لنگر ہاؤس، ان سارے ایریاز میں انشاءاللہ یہ آج اور کل میں انشاءاللہ تقسیم ہوں گے۔ اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے راشن وغیرہ کی، تو ہم لوگ ایک واٹس ایپ کا نمبر سٹارٹ کرے تھے، جس کے اوپر آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں آپ کا کیا پرابلم ہے۔ میں آپ لوگوں کو نمبر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، 9032000232۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 9032000232۔ آپ اس کے اوپر آپ کی پریشانی میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو راشن وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے یا اور بھی کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ لوگ ہم کو اس کے اوپر میسج کریے، انشاءاللہ ہم آپ کا میسج دیکھ کے آپ کے پاس، ہمارے لڑکے آپ کے پاس آ کے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ کو انشاءاللہ اسے نجات دلائیں گے۔ السلام علیکم۔ مجلسی کارپوریٹر محمد یوسف کی نگرانی میں اناج کی تقسیم عمل میں آئی۔ تاج فنکشن ہال میں اس موقع پر سابق کارپوریٹر سمت وارسی، وارڈ ممبر محمد قدوس اور حمید بھائی وغیرہ بھی موجود تھے۔ غریب مستحق لوگوں تک جو ہے نا راشن جو ہے تقسیم عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ یہاں صدر مجلس کا خاص خصوصی توجہ تھی اور خصوصی حکم تھا کہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا راشن کا وغیرہ تقسیم کیا جائے۔ صدر مجلس کے ہدایت پر محمد یوسف صاحب کی راست نگرانی میں یہاں پہ 50 سے زائد لوگوں نے راشن تقسیم کیا۔ تمام حضرات کا حمید بھائی کی پوری برادران ون کے گھر کو تمام دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نوازے غریبوں کے لیے۔ انہوں نے جو کچھ بھی آپ کا حمید بھائی کر رہے ہیں، رفیع بھائی صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محلے کے اندر ہر رات دن جو بھی غریب ہے ان کے لیے پریشانی حال، اللہ تعالیٰ ان کو اور یہ نوازے، ان کے بھائیوں کو، ان کے سب کے لیے۔ میں خاص کر حمید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سر تار پنچر والے خود صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا جہاں نما کے کارپوریٹر سنی پاشا نے غوث نگر نواب صاحب گنٹے میں 125 غریب افراد میں غذائی اجناس کے پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر ان کے مجلس رفقا کی بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ تھی۔ یہاں غوث نگر میں مجلس اتحاد مسلم کی طرف سے ہمارے چاند بھائی کمیٹی پریسیڈنٹ کی طرف سے آج الحمدللہ 125 بیگ تقسیم عمل میں آیا ہے غریب عوام کو، جو لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پبلک پریشان ہے۔ تقریباً جہنما ڈویژن میں غریب لوگ ہونے کی وجہ سے آج ابتدائی کمیٹی کی طرف سے ایم ایل اے صاحب خاص طور پہ توجہ دی اپنے ورکروں میں، ورکرس کو جو ایریا میں رہ کے جو عوام مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور کرو بول کے۔ تقریباً یہ جس دن سے لاک ڈاؤن ہوا اس دن سے ہمارے ایم ایل اے صاحب تقریباً ایریا میں اپنے ذاتی پیسے سے پبلک کو گھرے گھر بھجا رہے ہیں اناج۔ آج ہمارے ابتدائی کمیٹی کے صدر چاند بھائی کی طرف سے یہ عمل میں آیا تھا، میرے ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ کرایا گیا، ہمارے چاند بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھی دوستوں کا، اور میرے ابتدائی کمیٹی کے ممبرس کا، ایم ایم کے، جہاں بھی اگر کچھ چیز کی ضرورت ہے جہنما ڈویژن میں آپ لوگ ہم سے ربط کیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کوشش ہوں گی، جو بھی مدد کرنے کی، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ۔ جبھی بھی کوئی بھی چیز میں اگر آپ کو ضرورت پڑی مجلس اتحاد مسلمین کے ورکرز کی، کارپوریٹرز کی، تو ہم آپ کے لیے خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔
शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने जुबली हिल्स के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ के ताबुन से बोराबंडा डिवीजन में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब खानदानों में 10 किलो चावल के थैले तकसीम किए। इस मौके पर सामाजिक फासले की बरकरारी का भी ख्याल रखा गया था। जिसमें अहदेदार, एरिया सभा और वार्ड मेंबर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट के मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के तहत पारदीवाड़ा और दूसरे इलाकों में मजलिस रिलीफ कोविड-19 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अबरार, मलकपेट के कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे भी मौजूद थे। बिल्किस उस्मान मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से नशीमन नगर तलाकपट्टे में गजा इजनास के किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर वजाहत अली खान, उनके ब्रदर तजम्मुल अली खान और सदर इब्तदाई मजलिस नशीमन नगर सैयद महमूद अली वगैरह भी मौजूद थे। वजाहत अली खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ट्रस्ट की तरफ से गुज़श्ता 10-11 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में गजा इजनास तकसीम किया जा रहा है। कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहीउद्दीन ने आज चोली मस्जिद मुस्तैदपुरे में मजलिस रिलीफ कोविड-19 राशन किट्स स्कीम के तहत 1000 अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और मुमताज बिजनेसमैन मोहम्मद शब्बीर वगैरह भी मौजूद थे। सदर तंजीम इजमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बहादुरपुरा मौलाना अब्दुल रऊफ हुसामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपील की कि मौजूदा मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बाद जारी परेशान कुन सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को दीगर समाज के पसमानदा अफराद की गजाई अजनास और माली इमदाद के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने तंजीम की कारकर्दगी और दीगर जारी सरगर्मियों से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाते बताया कि तंजीम का मकसद यतीम और यसीर तलबा और तालबात की तालीमी इमदाद करना है। यही नहीं बल्कि ज़ईफ और बेसहारा मजबूर परेशान हाल बेवाओं की गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से वजीफे के जरिए मदद की जा रही है, जिससे उनकी गुजर बसर में आसानी मुमकिन हो सकी है। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा हालात में आवाम की खातिर खा मदद के लिए नकद रकमी इमदाद भी की जा रही है। इस मौके पर मोहम्मद सरवर, एजाज हुसैन, एम मतीन, गौत मोहीउद्दीन और तंजीम के दूसरे जिम्मेदार मौजूद थे। बादजा ज़ईफ बेवगान में राशन पैकेट भी तकसीम किए गए। नेशनल वेलफेयर सोसाइटी बहादुरपुरा हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, ये सोसाइटी गुज़िश्ता 10 सालों से यतीम बच्चों की तालीमी कफालत के लिए काम करती हुई आ रही है, जहां हर महीना 200 से ज़ायद उन यतीम बच्चों को जो ड्रॉप आउट होने के चांसेस हो गए थे उनको दोबारा अपलिफ्ट करके उनको दोबारा कंटिन्यू करवाया जाता है। इस तरह हर महीना 200 से ज़ायद बच्चों की तालीमी फ़ीस हम लोग अदा करते हैं। और इसी ज़िमन में ऐसी लाचार और बेबस बेवाएँ जिनके घर खाने के लाले होते हैं, वैसी करीबन 57 खवातीन को भी हमारे यहाँ से हर माहाना वजीफ़ा जाता है। महीने की हर तारीख का तीन तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब चूँकि कोविड-19 के हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, दवाओं का मसला है, खाने पीने का मसला है, राशन का मसला है, अगरचे ये बात की न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है कि राशन का इंतज़ाम बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दवाएं और ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए कुछ पैसा भी हाथ में होना ज़रूरी होता है, इसलिए इजमा सोसाइटी ने यह डिसाइड किया कि माहाना पेंशन के साथ साथ इन हालात में कुछ मज़ीद इजाफे के साथ, ताकि उनको ज़रूरी खर्च के लिए कुछ पैसा उनके हाथ में रहे, माहाना पेंशन के साथ इजाफी अमाउंट भी उनको दिया गया।
الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس سوسائٹی کا آپ ہمیشہ کی طرح تعاون کریں، بلکہ ان حالات کے اندر مزید اپنے تعاون کو بڑھا دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر عظیم دے گا۔ اس کے لیے ہم نے اپنے ویڈیوز بھی مہلک کرونا وائرس کی وبا کے انسداد اور بچاؤ کی خاطر مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے مخصوص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لاک آؤٹ اور رات کے کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے، جس سے وبا پر قابو پانے میں کافی مدد مل رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر ریاستی حکومت کی جانب سے سفید راشن کارڈ گرندوں اور دیگر ریاستوں سے آنے والے مزدوروں کو 12 کلو چاول اور نقد 500 روپے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ریاستی حکومت کی طرف سے سفید راشن کارڈ رکھنے والوں کو 12 کلو چاول اور نقد 500 روپے کی اجرائی میں کئی ایک خامیاں پائی جاتی ہیں۔ صبح 8 بجے سے سول سپلائز کے راشن شاپ ڈیلرز پر لوگوں کی قطاریں لگ جا رہی ہیں جو شام 6 بجے تک لگی رہتی ہیں، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی سرور ڈاؤن کی شکایت کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف معمول کے مطابق دکانات کی عدم کشادگی کے باعث دکانات پر ہجوم علانیہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے باعث کرونا کی مہلک وبا کے پھیلنے کے خدشات اور بڑھ گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چاول فی الوقت دے دیا جا رہا ہے لیکن رقم کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ عوام کو نقد رقم سے متعلق اطمینان دلائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام راشن شاپ پر سہولت فراہم کی جائے تاکہ مستقین کے استفادے کو یقینی بنایا جا سکے۔ سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے آج بہادر پورے کے محمد گلشن فنکشن ہال میں بیرون ریاستوں کے ورکرز میں حکومت کی طرف سے مولانا 12 کلو چاول اور 500 روپے کی رقم تقسیم کی۔ انہوں نے اس موقع پر کرونا وائرس کے بارے میں عوامی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لائٹلی لینے کا نتیجہ کہ آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں اس سے امریکہ میں اور اٹلی اسپین میں، تو اس سے ہم لوگوں کو لیسن لینا ہے، سبق لینا ہے۔ تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی اندر رہنے سے، گھر میں رہنے سے، لیکن ایک طرف تکلیف ہے، دوسری طرف زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر میں ہی رہیں اور جس کسی کو جو ضرورت ہے آپ فون کریں، اپنے ہمارے ایس آئی صاحب ہیں، انسپیکٹر صاحب ہیں، اور سب نمبر ہیں، ڈائل 100 نمبر ہے، 100 نمبر ہے، اور بھی نمبر سب اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ۔ جس کسی چیز کی ضرورت ہے، کمی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، جی ایچ ایم سی، گورنمنٹ، سب لوگ مل کر آپ کے لیے ضرور کریں گے۔ یہ ایک ایسا سمے ہے کہ یہاں ہم لوگ کو ایک ساتھ رہنا ہے، ایک ساتھ ہو کر اس کو لڑنا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ گھر سے کوئی باہر نہیں نکلیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ آئیے، اپنا ایک ایک کر کے لے کے چلے جائیے، اور اس کے بعد بس یہ پروگرام ہے۔ اور آپ یہاں ڈونر کو منظر اور کیا نام بتایا، کرشنا اور سرینواس کا، آپ لوگ سب کے طرف سے ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز ارینج کی۔ تو یہ ابھی موقع زیادہ فنکشن، زیادہ بھاشن کا نہیں ہے، بس جلدی سے اپنا سامان لیجیے اور گھر جائیے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ اندر پریس وارڈ کی پورا تھینک یو۔ ایریا میں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہادر پورہ ایس ایچ او، اے سی پی چار مینار، آر آئی سری نواس، سب لوگ مل کر درگا پرساد ایس ایچ او، یہ ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام کریں، جہاں غریب لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کو کھانے کا سامان کا دقت ہے، لوکل ڈونرز کے طرف سے ہیلپ کر کے یہ کرایا گیا۔ اور ایسے موقع پر میں ایک بار پھر آپ لوگ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جنگ ہے جس کو آپ اور ہم مل کر لڑیں گے، اور آپ لڑیں گے گھر کے اندر رہ کر، ہم لڑیں گے روڈ پر سے۔ تو یہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کا دھیان رکھیں اور اپنے گھر میں رہ کر اس کورونا کو جلدی سے جلدی ختم کریں۔ سر ایک بات بولیں کہ آپ، اگر کسی کو کوئی کھانے کی دقت ہے، سامان کی دقت ہے، لوکل پولیس اسٹیشن کو فون کریں، پیٹرول آفیسر کو فون کریں، 100 کو فون کریں، کووڈ کنٹرول کا نمبر درگا پرساد ای میل نمبر سے بتا دیں گے، اس پر کریں، ہم لوگ 24 آپ کے ہیلپ کے لیے ہیں۔ کئی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آج کے ویڈیو پیام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وزیر اعظم اہم نکات پر بات چیت ہی نہیں کی، اور یہ نہیں بتایا کہ کووڈ 19 کی وبا سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسے قوم کو بھی واقف کروانا ضروری تھا۔ سینئر کانگریسی لیڈر اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریب میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ عوام کی تکالیف اور مالی مشکلات کو مستقبل میں کس طرح حل کیا جائے گا۔
तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट माहू मोहित्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को एक जामे माशी पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। सबक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो माहरीन माशियात और माहरीन डॉक्टरों से मशावरत करें और उनके मशवरों पर अमल करें। तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद वापस होने वाले एक और 41 साल शख्स जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था आज शाम गांधी हॉस्पिटल में फौत हो गया। निर्मल टाउन के चिकड़पल्ली इलाके में रहने वाला मोहम्मद सलीम मौके में तालीम में अटेंडर था। उसे तोपरान जिले मेदक से गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया था। कोरोना वायरस से निर्मल में ये दूसरी मौत थी जिसके बाद पूरे टाउन में खौफ और सरासमगी फैल गई है। चारशंबे को 50 साल शख्स दिसाख की मौत हो गई थी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनेवेसी ने 5 अप्रैल इतवार की रात को 9:09 के लिए दिए जलाने की अपील का मजाक उड़ाया और अपने मुतअद्दिद ट्वीट में कहा कि ऐसी हरकतों से लॉकडाउन से मुतासर गरीब आवाम के मसायब में कोई कमी होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान के आवाम इंसान है और उनके ख्वाब और तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं, चुनाचे उनकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया ना जाए। बैरिस्टर सोनेवेसी ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म रियासतों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं और गरीब आवाम को किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। बैरिस्टर सोनेवेसी ने एक और ट्वीट में कहा कि यह नज़रिया अनोखा ही नहीं बल्कि ट्यूबलाइट जैसा लगता है। हमारे मुल्क भारत में बीजेपी हुकूमत की सत्ता के चलते सैकड़ों तनाज़ात के दौरान हालिया CA NRC व NPR के बिल्स के पुर इंतशार जबरदस्त हो जाने वाले माहौल के बाद अचानक दुनिया में COVID-19 वायरस की धूम शुरू होते ही PM मोदी ने भारत की निचली सतह पर आ जाने वाले GDP के दौरान अचानक एक दिन का जनता कर्फ्यू बुलाकर मजीद उसमें 21 दिनों का बढ़ावा कर दिया और इस तरह से वो मिसाल सादे खा गई कि खूबसूरत नजर आने के लिए एक ऊंट ने दाग लिया जिससे मुतासिर होकर एक छोटा सा मकोड़ा भी दाग लेने की कोशिश की और उसकी सारी नस्ल काली पड़ गई। लिहाजा पहले ही से तबाहाल भारत के माहौल में मजीद तबाही आ गई और नाम पेश पेश आ गया COVID-19 वायरस का, यानी कि सबूत बहुत मजबूत साबित हुआ है। लिहाजा अभी शहर हैदराबाद में जनता कर्फ्यू के दौरान सारे खुर्दनोश के मार्केट्स में खिल्लत के चलते मलकपेट की बड़ी मार्केट में भी ऐसे हालात का मामला आ गया है और यहाँ के सारे हम्माल जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके खाने पीने के लाले चल पड़े और जो भी सामान का लोड वहां पर आया वो जूं का तूं वैसे ही खड़ा रह गया। लेकिन हाय रे कोरोना वायरस का इफेक्ट के 25,000 टन प्याज का लोड भी अपने जगह से अभी तक नहीं हिलने की खबर मिली है और शायद ये हालात जनता कर्फ्यू के हटने तक यूं ही बरकरार रहने वाले हैं, ऐसा ही नजर आता है। हमारे मुआशरे में बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ सोचकर कुछ किया गया और उसके नतायज कुछ के कुछ साबित हुए। अभी रियासत तेलंगाना में जनता कर्फ्यू के लॉकडाउन वाले माहौल में परेशान हाल आवाम के लिए हुकूमत ने 12 किलो चावल देने का वादा किया और उसका स्टॉक चारों तरफ रवाना भी कर दिया। लेकिन पार्लिमानी हलके मलकाजगिरी से खबर मिली है कि वहाँ के राशन शॉप की जानिब से टोकन सिस्टम बरवेकार लाने के बावजूद भी बायोमेट्रिक मशीन्स तनाज़ात का शिकार बन गई और काम नहीं करने की खबर दी गई है और शायद ऐसे ही मशीन सिस्टम की वजह से साबिका में भी हमारे मुल्क में बड़े बड़े घपले कामयाब हुए हैं और लोग ऐसे घपलों में एकदम मुतासिर होकर अब मामूली इमदाद के लिए भी नोटबंदी वाले माहौल की तरह लाइनों में ठहरने पर मजबूर हो गए हैं। बहरहाल जय हो डेमोक्रेसी की। शहर हैदराबाद में जनता कर्फ्यू से निढाल बहुत सारी आवाम के लिए आज कुशाईगुड़ा के MLA बी सुभाष रेड्डी ने कॉर्पोरेटर जी अंजया के साथ मीरपेट डिवीजन की HB कॉलोनी और अतराफ अकनाफ में ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान तकसीम किए। GHMC के अहदेदारों ने आज COVID-19 वायरस से माहौल को पाको साफ करने के लिए आज पुराने शहर हैदराबाद के बहुत सारे इलाकों में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया। वो इलाके इस तरह से थे, कुशाईगुड़ा, मीरपेट, HB कॉलोनी, ज़िले मेड़चल के इलाके मौला अली वगैरह वगैरह। इस मौके पर कई मुतालिका अहदेदारों के साथ साथ TRS के बहुत सारे लीडर्स भी काम करने वालों के साथ साथ नजर आए। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के MLA P. नरेंद्र रेड्डी ने आज बोनरासपेट मंडल के थुंकुमेटा गांव
और कोड़ंगल के कुछ कस्बात का दौरा करते हुए वहां के बहुत सारे हरकियाती पुलिस के अहदेदार, आशा वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स और एएनएम नर्सेज वगैरह में कोविड-19 वायरस के हिफाजती अशिया तकसीम किए और सभी के साथ साथ आवाम से गुजारिश भी की कि इस वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में सीएम केसीआर और दीगर अहदेदारों के अहकामात को सख्ती के साथ माने। इस मौके पर इन्होंने मुतालिका कलेक्टर पी बासु को ये हिदायत भी जारी की कि माइग्रेंट लेबर्स का खास ख्याल रखते हुए हुकूमत की स्कीम की इमदाद उन तक पहुंचाएं। इस दौरे में उनके साथ एमपी एम देशमुख, काउंसलर मधु यादव और विष्णुवर्धन रेड्डी वगैरह ने हाथ बटाया। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के खतरनाक माहौल के चलते सिकंदराबाद के बहुत सारे कारोबारियों ने अपनी अपनी जानिब से करीब 3 करोड़ का बड़ा चंदा जमा करके आज सीएम रिलीफ फंड में जमा करवाया। कारोबारियों के एक वफद ने आज टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से मुलाकात करते हुए इस चंदे का चेक उनके हवाले किया। इस मौके पर वजीर तेलंगाना टी श्रीनिवास यादव, कॉन्टेस्टेंट एमपी साई किरण यादव, कॉरपोरेटर एन शीशा कुमारी वगैरह वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। चंदा देने वालों की तफसीलात भी बहम पहुंचाई गई हैं, वो इस तरह से है। जीएस गुप्ता 1 करोड़, थ्रिल सिटी मैनेजर टी साई किरण 25 लाख रुपए, जल विहार के ऑर्गेनाइजर रामा राजू 15 लाख रुपए, महेश्वरी भवन ट्रस्ट के मैनेजर श्याम पटेल 11 लाख रुपए वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा के मशहूर मारूफ कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज अपनी निगरानी में टीआरएस हुकूमत की स्कीम के 12 किलो चावल बहुत सारे राशन कार्ड होल्डर्स को तकसीम करवाने लगाए। इस मौके पर वहां के कुछ मुकामी लीडर्स मुकुंद राव, मनोज कुमार और कार्तिक वगैरह भी वहां मौजूद थे। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने कोविड-19 वायरस की दहशत के नाम पर सारे मुल्क में 21 दिनों का जो लॉकडाउन लाया है उसमें गरीब तो गरीब अच्छे अच्छों के छक्के छूट गए हैं। इस मौके पर हैदराबाद के मशहूर जमाना दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने आज नादरगुल इलाके के बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स में गजाई अजनास की तकसीम अमल में लाई। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में लॉकडाउन के चलते वहां के म्यूनिसिपल चेयरमैन मंजुला रमेश कुमार ने वहां के एक अनाथ आश्रम में खास तौर पर जाकर छोटे छोटे मासूमों के लिए बिस्किट्स और मेवेजात उनके हवाले किए और आश्रम के स्टाफ में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें तकसीम करते हुए उन्हें ताकीद की कि किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फौरन इत्तला दें और छोटे बच्चों को कोविड-19 वायरस के मुतासर माहौल से बचाने के लिए सख्ती से देखभाल भी करें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साउथ सेक्टर के आईजीपी नायक ने आज महकमे पुलिस की मदद से कोविड-19 वायरस के बदहाल लॉकडाउन वाले माहौल से मुतासरा बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स में ज़रूरियात ज़िंदगी के एक मुकम्मल किट्स को तकसीम किया। पुराने शहर के चढ़ान गुट्टा, बारकस, बंडलागुड़ा वगैरह इलाकों में फंस जाने वाले इन गरीब लोग जब उनसे किट्स लेने के लिए आए तो पहले उनके हाथों को सैनिटाइजर से ज़बरदस्त अंदाज में साफ करवाया गया और साथ ही सभी को ताकीद भी की गई कि साफ सुथरे का सख्ती से ख्याल रखें। शहर हैदराबाद के मुतनाज़िया बन जाने वाले असेंबली हलके गोशा महल के वाहिद बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 वायरस की उन खतरनाकियों की जानकारी देने की कोशिश की जिसे लॉकडाउन वाले माहौल में आवाम पहले से ही जान गई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मरकज और अवेसी बरादरान पर भी कुछ अपने ज़ाती ख्यालात पेश किए हैं। वाज़ह है कि इनके अभी तक के बयानात के मुताबिक ये कौमी सियासत में दाखिल होने की दिली ख्वाहिश रखते हैं और यह सामने भी आ गया है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के शाना बशाना वो चलना चाहते हैं। दिल्ली निज़ामुद्दीन जो तबलीगी जमात के जो लोग थे वहाँ पर, ठीक है मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज इनकी वजह से पूरा भारत देश खतरे में पड़ चुका है। वहाँ पर कई विदेशी आए, उन विदेशियों से जो हमारे भारतीय थे उनको कोरोना वायरस लगा और वहाँ से पूरे भारत में वहाँ के लोग डिवाइड हुए और उनकी वजह से कई लोगों को कोरोना वायरस लग रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो आज गांधी हॉस्पिटल में जो अपना इलाज करवा रहे हैं,
डॉक्टरों पे आप लोग हमला कर रहे हैं, नर्सों को आप लोग छेड़ रहे, अश्लील हरकतें कर रहे। अरे ना समझो, वो तुम्हारे इलाज के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए दिन रात वो लोग लगे हुए डॉक्टर्स। अरे कम से कम उनको तो छोड़ो, तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण अगर डॉक्टर नाराज़ हो गए ना बेटा, तो हर घर में एक जनाजा निकलेगा। तुम जितने भी जो आज गांधी हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आए हो ना, एक भी जिंदा घर नहीं जाएगा, और साथ में तुम्हारे घर वाले भी मरेंगे, तुम्हारे पड़ोस वाले भी मरेंगे। मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो देश के लिए खतरा है, मुस्लिम्स कौम के लिए खतरा है, जो अड़ोस पड़ोस के लिए खतरा है, जो अपने रिश्तेदारों के लिए खतरा है। ये लोग अपने बारे में सोच रहे लेकिन समाज के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे कि समाज कितना खतरे में है आज। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री KCR एवं जो मुसलमानों के हमदर्द कहलाने वाले ओवैसी साहब आज कहाँ चुके हुए, मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ क्या ट्वीट के माध्यम से क्या आप मुसलमानों की सेवा करना चाहते हो? अरे कम से कम अब तो सच कहो, कम से कम अपने लोगों को समझाओ कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो बोलकर। कोरोना वायरस कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये वो बीमारी है जो पूरी कौम के लिए खतरा है, पूरे तेलंगाना की जनता आज खतरे में है। तो ऐसे लोगों का समर्थन ना करें। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति अगर इलाज में सहयोग नहीं करता और डॉक्टरों से अगर वसूली करता है, डॉक्टर पे अगर हमला करता है, तो ऐसे लोगों को एक जंगल में एक शेड बनाएं और बिना इलाज के वो शेड में छोड़ दें। जब ये लोग कुत्ते की मौत मरेंगे ना, तब इनको पता चलेगा। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।